हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा और मेरे यूट्यूब चैनल संसार में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन। आज हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात जो है प्राकृतिक रूप से जो पठार रहते हैं, पर्वत रहते हैं, वहां से जो है जल जो उद्गम होती है उसका जो है जो एक साथ जो है बहुत ही ज्यादा मोटी धारा में एक जगह पे गिरती है, वो क्या है आपका जलप्रपात है। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात है। तो देखिए, अगर हम इसको अगर इस मैप को सामान्य रूप से अगर हम देखें, है ना, सामान्य रूप से पहले देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो मैप है इसमें ज्यादातर जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये उत्तर की ओर और ये जो पूर्व की ओर है और एक दक्षिण की ओर है, इधर पे ही जो है सारा संकेंद्रण इन्हीं एरिया पे है जलप्रपातों का। तो ये सामान्य रूप से अगर देखें तो हमारा जो है जलप्रपात एक उत्तर की ओर है और पूर्व की ओर और इधर दक्षिण की ओर है। ये तीनों क्षेत्रों में जो है हमें दिख रहा है जलप्रपात। तो देखते हैं पहले कोरिया जिला, जिले से एक बार आपको परिचित करवा दूं। कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, सरगुजा जिला, जशपुर जिला, कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, जांजगीर चांपा जिला, बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और ये बस्तर और एक है सुकमा। क्लियर, आपके पूरे सभी जिले मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं मैप में फिर से कोरिया जिला। कोरिया जिला में जो है अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात प्रपात है। ये जलप्रपात किस में है, कौन से नदी पर है? हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम यहीं से होता है, देवगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है? हसदेव नदी पर, कोरिया जिला। वही आपका रामधार, रामधार जलप्रपात जो है बनास नदी पर है, रामधार जलप्रपात बनास नदी पर। और इसके अलावा जो है और भी जलप्रपात है, गावर घाट और एक है अकूरी नाला। ये गावर घाट है, ये अकूरी नाला। अकूरी नाला को जो है कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ टोटल चार जलप्रपात देखे, अमृतधारा, गावर घाट, रामधार, अकूरी नाला। क्लियर, कोरिया में। नेक्स्ट, ये कौन सा जिला है? सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कौन सा जलप्रपात है? महान जलप्रपात। महान जलप्रपात है किस नदी पर? महान नदी पर है महान जलप्रपात। वही उसके बगल के पड़ोसी बलरामपुर में आएंगे, तो बलरामपुर में क्या है? बलरामपुर में जो है पवई जलप्रपात और कोटली जलप्रपात। कोटली जलप्रपात किस नदी पर है? कन्हार नदी पर। कोटली जलप्रपात किस में है? कन्हार नदी पर। और उसके अलावा कौन सा है? पवई जलप्रपात। ये कौन सा जिला? सरगुजा जिला। सरगुजा जिला, सरगुजा जिला में जो है तीन जलप्रपात कौन कौन से है? रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? रीहन नदी पर। मैंने आपको नदी वाले चैप्टर में बताया था कि रीहन नदी का ही जो पुराना नाम है रेन नदी था। ठीक है, तो रक्सगंडा जलप्रपात किस में है? रेन नदी या रीहन नदी कह सकते हैं। घुनघुट्टा जलप्रपात घुनघुट्टा नदी पर। सरभंजा जलप्रपात, ठीक है, तीन जलप्रपात है, रक्सगंडा, घुनघुट्टा और सरभंजा जलप्रपात। वही जशपुर, जशपुर जिले में जो है रानीदाह जलप्रपात है, दमेरा जलप्रपात है, रजपुरी जलप्रपात है, खुड़िया रानी। कौन कौन से हैं? रानीदाह, दमेरा, रजपुरी, खुड़िया रानी, ये सारे जलप्रपात है कहां? जशपुर में। वहीं इधर कहां, ये कौन सा जिला? कोरबा। कोरबा में जो है किंदई जलप्रपात है। कोरबा में कौन सा जलप्रपात? किंदई जलप्रपात है, कहां? कोरबा में। वहीं रायगढ़ में राम झरना जलप्रपात है। रायगढ़ में कौन सा? राम झरना जलप्रपात है। ये कौन सा जिला? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में क्या है? रोगदा जलप्रपात। ये क्या है, कौन सा जलप्रपात? रोगदा जलप्रपात जांजगीर चांपा में है, रोगदा जलप्रपात। वहीं महासमुंद जिला, महासमुंद जिला में जो है सात देव है, सात देव जलप्रपात। सात देव जलप्रपात बलमदेही नदी पर है। सात देव जलप्रपात जो है किस नदी पर है? बलमदेही नदी पर। और किस जिले में? महासमुंद जिले में। और वहीं और एक जलप्रपात है केशवा, केशवा जलप्रपात भी है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? केशवा जलप्रपात। ये कौन सा जिला? गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिला में जो है गोदना जलप्रपात किस नदी पर? उद्यंती नदी पर। लिख सकते हैं
गोदना जलप्रपात उद्यंती नदी पर है। अब देखिए कांकेर, कांकर में परलकोट नदी पर ही जो है परलकोट जलप्रपात है, परलकोट नदी पर ही परलकोट जलप्रपात। और एक जलप्रपात है मायना, मायना जलप्रपात कहाँ, कांकेर में ही। मलाज कुंडम जो जलप्रपात है कौन सी नदी, दूध नदी पर। मलाज कुंडम जलप्रपात कौन सी नदी पर है, दूध नदी पर। वहीं ये कौन सा जिला है, नारायणपुर, नारायणपुर में खुरसेल जलप्रपात, खुरसेल जलप्रपात किस नदी पर है, खुरसेल जलप्रपात जो है खुरसेल नदी पर ही है। खुरसेल जलप्रपात किस में है, खुरसेल नदी। चर्रे मर्रे जलप्रपात भी है, नारायणपुर में ही चर्रे मर्रे जलप्रपात। अब देखिए बीजापुर जिला, बीजापुर जिला में बोगतुंग जलप्रपात, बीजापुर जिला में क्या है, बोगतुंग जलप्रपात। वहीं एक और है सात धारा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात। इसके लिए मैं आपको बता दूं सात धारा जलप्रपात में कौन कौन से सात धारा है। इस सात धारा जो जलप्रपात है बीजापुर जिले में, यहाँ पर देखो कि कौन कौन से सात धारा जलप्रपात है, शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा, कपिल धारा। शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा, कपिल धारा। शिव, शिव चित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बोध और कपिल, ये सात धारा है। अच्छा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें सात धारा और सात देव दोनों के शब्द अलग है। ये महासमुंद में जो है वो क्या है, सात देव है, सात देव जलप्रपात महासमुंद में और सात धारा जलप्रपात बीजापुर जिले में। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। बस्तर जिला, बस्तर जिला में चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, ये क्या है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चित्रकूट जो जलप्रपात है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। वहीं कांगेर धारा, कांगेर धारा किस नदी पर है, कांगेर धारा जलप्रपात जो है कांगेर नदी पर है। लिख सकते हैं जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप उसको अपने पेन कॉपी से लिख सकते हैं। ये जो कांगेर धारा है, कांगेर धारा किस नदी पर है, कांगेर नदी पर। वहीं तीरथगढ़ जलधारा, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, मुनगाबहार नदी पर है। मुनगाबहार नदी किसकी सहायक है, कांगेर नदी की सहायक मुनगाबहार नदी पर है ये। और एक धारा कौन सी है, चित्रधारा, चित्रधारा भी है कहाँ, बस्तर में ही। तो यहाँ कितने जलप्रपात हो गए, चित्रकूट, कांगेर धारा, तीरथगढ़ और चित्रधारा। क्लियर, ये कहाँ है, बस्तर जिले में। चलिए दंतेवाड़ा जिले में देखते हैं, दंतेवाड़ा जिले में जो है बोधघाट जलप्रपात, बोधघाट जलप्रपात, रानीदा जलप्रपात, सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, सूरतगढ़ जलप्रपात डंकनी नदी पर है ना। मेंदनी घूमर जलप्रपात, ये जो है मेंदनी घूमर लिखी हुई है ना, इसको आप देख सकते हैं मेंदनी घूमर लिखी हुई इसको। तो यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात है, बोधघाट, रानीदा, सूरतगढ़ और मेंदनी घूमर। सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, डंकनी नदी पर। चलिए सुकमा, सुकमा में जो है सबरी नदी पर आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात है, सबरी नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात है और मालगेर नदी पर जो है मलगेर जलप्रपात है, मलगेर नदी पर ही जो है मलगेर जलप्रपात। ये हो गया, ये पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के जलप्रपात है। तो समझ आया ना, देखिए याद करिएगा इस तरह से मैप। मैं आप लोग को एक ही बात कहूंगी, अगर चीजों को अच्छे से हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स करना है ना, तो दो से तीन बार जो है मैप ड्रॉ कर लीजिए और उस मैप में ही जो है आपने जो याद किया हुआ है उसको उसमें फिलअप करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको क्या है ये हमेशा के लिए रट जाएंगे। आपको मेहनत कम, शुरू में आपको लगेगा कि मेहनत बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आप लोग प्लीज एक बार इसे ट्राई करके देखिए। मैं जो है मैंने अपनी पढ़ाई इसी मैप से ही की है, इसलिए मुझे जो है बहुत ही ये जो है सरल होता है, तो मैं वही चीज आप लोग को टेक्निक बता रही हूं। तो आप लोग भी जो है मैं चाहूंगी कि ये टेक्निक एक बार फॉलो करिए और फॉलो करके बताइए कि क्या आप लोग को भी ये टेक्निक पसंद आई। तो मैं भी जानना चाहूंगी कि आप लोग को ये कैसा लगता है। तो आप लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मैप बना के पढ़िए, चीजें आसान हो जाएगी मैप बना के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ के पूरे जलप्रपात। ओके, अगर स्टूडेंट आप लोगों को मेरे ये पढ़ाने का तरीका और मेरी टेक्निक पसंद आते हैं तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और आप लोग हो सके तो प्लीज मुझे कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा मुझे बताइए, ताकि मुझे भी समझ आए कि मुझे और आगे क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए। थैंक यू।